अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली अब्दुल्ला और आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है हमारी तीसरी टीम, टीम क्वालिटी। यार ये क्या नाम है सर इसका, क्या इसके पीछे क्या साइंस है? मतलब इसको लाइक वो क्वालिटी कीबोर्ड, आपने कभी नाम सुना? मतलब क्वालिटी कीबोर्ड होता है, अगर आप कीबोर्ड की जो टॉप लाइन में देखें ना तो QWERTY वाय सब साथ हैं, तो वी मेड अ न्यू टीम, तो बस हमें जल्दी में कोई नाम चाहिए था तो हमने टीम क्वालिटी लिख दिया। अमेजिंग। तो यार हमारे साथ मौजूद हैं आज खान एंड रहमान। तो खान एंड रहमान, आप लोग कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, क्या सिचुएशन? हम दोनों इस्लामाबाद से। इज्लू बॉयज़ आप लोग? बर्गर बॉयज। बर्गर बॉयज, या बात हुई थी उन, मैंने अपनी और टीम्स आई आपकी उनसे भी ये बात हुई कि यार वर्ड गेमर इससे पहले ये था, इसके बड़े डिफरेंट मीनिंग थे, या गेमर बॉयज जो थे लड़के भी कहती थी ये वाला लड़का इतना गेमर है, इसकी इससे बात नहीं करनी, इसको ऐड नहीं करना इंस्टा के ऊपर। अब लड़कियाँ क्या कहती हैं? देखिए गेमर तो एज अ टर्म ही ये टेक्निकली एक गलत टर्म है। सही है, हम लोग इसको कहते हैं ई स्पोर्ट्स एथलीट। ठीक है, जो इसका एक प्रोफेशनल टर्म है ई स्पोर्ट्स एथलीट, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ई स्पोर्ट्स आप लोग, क्योंकि ई स्पोर्ट्स होता है ना इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं, तो हम हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एथलीट, तो हम प्रोफेशनली खेलते हैं तो हम फिर उसको कहते हैं प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर। पता चल रहा है कि मैं इज्लू बॉयज के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोगों का टेक्निकल होमवर्क भी, टर्मिनोलॉजीज वाला होमवर्क भी पूरा कंप्लीट है, मतलब कि यार दैट्स ग्रेट। तो इससे पहले कोई कौन से कोई बड़े अच्छे इवेंट्स रहे जिसके ऊपर आप लोगों ने मतलब कि सही मानों में उधम मचाया जाके? एक साल पहले हुआ था एक और पबजी मोबाइल का, दैट वाज द बिगेस्ट प्राइज पूल ऑफ पाकिस्तान, वो 1 करोड़ रुपये का था। सबसे पहला प्राइज मनी क्या था जो फॉर द मतलब लाइफ में पहली बार मिला कैश? मतलब मैं तो लाइक ई स्पोर्ट्स में 6 साल से हूँ, तो मैंने लाइक ई स्पोर्ट्स का प्राइज मनी ग्रो करते देखा। मैं तो लाइक हमारे टूर्नामेंट्स होते थे, हम डिफरेंट सिटीज़ जाते थे सिर्फ 10-15 हज़ार के टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो अब 10-15 हज़ार से करते करते लाखों लाखों से करते करते फिर अब करोड़ों में चले गए, फिर से लाइक बिग लीप। क्या हो रहा है ये सब, क्या है ये? बस ये नई दुनिया, दुनिया है। हमारे पास यार फैन सिचुएशन क्या है, मतलब कि इस वक्त क्या रेशू चल रहा है आप लोगों के पास फैंस के अंदर मेल फीमेल में? अब बराबर ही है, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली फीमेल रेशू थोड़ी कम होती है, कम है गेमिंग में, और ऑब्वियसली इट्स पाकिस्तान तो, लेकिन इसके तो इंटरनेशनली भी काफ़ी है। व्हाई नॉट? अच्छा आपका इंटरनेशनल मैच समझता था होना चाहिए था, बट वो उसका है रहमान का। मैं लाइक बाय रीजन से पबजी खेलता रहा, इसने बीच में पाकिस्तान रीजन में खेला था, छोड़ दिया था, फिर पाकिस्तान रीजन छोड़ के फिर मिडिल ईस्ट रीजन से मैं खेलता रहा हूं पबजी। अच्छा तो आप लोगों के कोई ड्रॉप लोकेशंस जो हैं कोई स्पेसिफिक हैं, आप लोगों ने कोई डिफरेंट जगहों पे मतलब के और भी मैप्स ट्राई किए हैं, क्या है किस तरह से करते हैं? हर मैप का डिफरेंट होता है, मतलब एज अ कैप्टन मैं स्ट्रेटजाइज करता हूं ना, तो हर मैप का मेरा एक डिफरेंट गेम प्लान होता है। ठीक है, तो अच्छा ड्रॉप लोकेशंस आप हमेशा डिफरेंट लेते हैं कोई एक स्पेसिफिक लेते हैं? हर मैप की एक स्पेसिफिक होती है। आप लोगों की टीम कंसिस्टेंट है, आप लोगों ने कभी अपनी टीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं रखी? आप लोग जो क्वालिटी आज से 3 साल पहले थी आज भी वही है? नहीं नहीं, हम लोगों के बीच में मतलब एक आधा प्लेयर चेंज होता रहता था, लेकिन जिस तरह रहमान है और मेरे साथ एक और प्लेयर है बुलबुली, वो लाइक हम शुरू से जो मेरी लाइक फर्स्ट टीम है ना सिंस 2.5 ईयर्स, तो वो साथ ही है मेरे। अभी रिसेंटली हमने जिस तरह एक वी हैड अ चेंज, हमने ग्रेविटी को ऐड किया था अपनी, मेरा ऑन एंड ऑफ सीन चलता रहता है, मैं कभी बीच में आ जाता हूँ फिर आप लोगों का अच्छा है फ्लैंकिंग, आप लोगों की एक स्ट्रेंथ है आई गेस। उसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी आप लोग इसके अलावा कोई इम्प्लॉय करते हैं, क्या सीन्स हैं मतलब कि फ्लैंक वाई फ्लैंक एवरी टाइम यार, ये मतलब कि बड़ा एक क्वेश्चन तो बस बार बार आएगा लोगों ने पूछा है फ्लैंकिंग क्यों करते हैं, फ्लैंकिंग क्यों करते हैं? फ्लैंक एक बहुत ना इस पबजी मोबाइल में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। Okay. और अगर आप लाइक टॉप टीम्स को देखें खास तौर पे चाइनीज टीम को, तो वो इस रोल को बहुत हाईली प्रायोरिटाइज करते हैं, तो चाहे वो सामने आपके कोई अंडरडॉग टीम हो या कोई प्रोफेशनली बहुत हाई फाई टीम हो, तो किसी टीम को भी प्रेशराइज करने के लिए आपको सबसे जो मेन चीज़ होती है वो फ्लैंक होता है। और ये लाइक एक्सपीरियंस टेक्निक है, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना हर चीज़ का मैप का, वही जाके कि अच्छा ये इधर है तो मैं इधर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ से मुझे नजर आएंगे, ये उधर देख रहे होंगे, मैं इधर से पीछे से पहुँचूंगा, पीछे से पहुँचूंगा, इस तरह बैक स्टेप कर, मतलब मैप नॉलेज होनी चाहिए आपके फ्लैंक के पास। ओके, ये लोग तो हक्का पक्का रहते होंगे यार जब उनको सर पे गोलियां पड़ती होंगी। हाँ लाइक आप उनका फोकस उस तरफ होता है और एकदम से कोई दूसरी साइड से टक कर दिया आपने गोली मार दी और निकले स्केच, ये किधर से आ गया? कूल यार, आप लोग किसी को थ्रेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं? अपनी जो टीम से इस वक्त सामने खेल रही है इनमें कोई थ्रेट नहीं है? नहीं हमें ऐसा कोई नहीं, क्योंकि अब
एक दो कुछ मतलब कंसिस्टेंट टीमें होती हैं लेकिन दे नॉट लाइक एज अ थ्रेट. थ्रेट नहीं है लेकिन फोकस है लाइक एक दो टीम्स का. किसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा है कि यार कि हमें इसको थोड़ा जब ये आएंगे तो हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना है इनको. I8 ऑब्वियसली. I8 और टीम बबलू. टीम बबलू को क्लैरिटी. अच्छा क्लैरिटी जो है ये भी एक पुरानी टीम है. इसके अंदर ये टीम बबलू का क्या सीन है यार इसका नाम. बबलू ही क्लैरिटी है लाइक ये बबलू होते थे तो क्लैरिटी इज अ ऑर्ग तो उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया तो जो आपको स्पॉन्सर करता है तो आप उसका नाम तो लगाना ही लगाना है. हाँ. कोई मैसेज वगैरह आप लोग देना चाहें अपने फैंस को यार. कुछ फैंस को ये मैसेज है कि हम इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं अपनी बेस्ट. तो आप लोगों की भी होप्स हैं हमारे अंदर. हमें पता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू परफॉर्म और हमें भी ये नहीं होता कि हम किसी को डिसअपॉइंट करें. तो हम मेहनत कर रहे हैं. अब अल्लाह बेहतर करेगा. अल्लाह बेहतर करेगा भाई. यानी कि आप मतलब कि ये कह रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह. बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके. बहुत अमेजिंग रहा सीन यार. आई विश यू ऑल द बेस्ट यार. आप लोग जीतो अच्छा अच्छा करो यार. तो यार ये थे हमारे साथ रहमान और खान जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे टीम क्वेटी को. तो यार ये बॉयज़ ही बड़े अनोखे हैं बड़े मज़े के हैं सबसे सीनियर बॉयज़ हैं यार. इन्होंने बहुत एक अच्छा अपना पूरा गेम प्लान बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरह का. मतलब कि उनकी सबसे यूनिक जो बात लगी वो ये लगी यार इनको डर नहीं लग रहा किसी से भी. ये वो वाहिद टीम थी जिसने कहा कि यार कि हमें टेंशन है ही नहीं हम संभाल लेंगे. तो अब तो ये पता चलेगा यार गेम के अंदर कि जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा उसके लिए आपको थोड़ा कनेक्टेड भी रहना पड़ेगा ताकि हमने जो बातें की हम उनको वैलिडेट कर सकेंगे भाई क्या हुआ आपने बोला गया था और हुआ क्या एग्जैक्टली. प्लान वही है देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा और फॉलो अप में रखना पड़ेगा. और ये थे हमारे साथ रहमान और खान. तो मेरे ख्याल चलते हैं फिर हम लोग यार चलते हैं. ओके जी थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़.